इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भ्रूण स्थानांतरण से पहले आपको कई महत्वपूर्ण चरणों और तैयारियों पर विचार करना चाहिए। हम आपको भ्रूण स्थानांतरण से पहले करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अपने प्रजनन विशेषज्ञ से परामर्श करें। अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप विशिष्ट निर्देशों और सिफारिशों को समझने के लिए अपने प्रजनन चिकित्सक या विशेषज्ञ से बात करें। दवा और हार्मोनल थेरेपी, अपने निर्धारित दवा आहार का पालन करें, जिसमें आमतौर पर भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय की परत तैयार करने के लिए हार्मोनल दवाएं शामिल होती है। इन दवाओं को निर्देशानुसार लेना सुनिश्चित करें। जीवन शैली में बदलाव, संतुलित आहार का पालन करके, हाइड्रेटेड रहकर और नियमित व्यायाम करके एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। जितना संभव हो सके तनाव को कम करने की भी सलाह दी जाती है। शराब और धूम्रपान से बचें, क्योंकि दोनों प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्थानांतरण पूर्व मूल्यांकन, आपका प्रजनन क्लिनिक आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासाउंड या अन्य मूल्यांकन करेगा कि आपका गर्भाशय की लाइनिंग स्थानांतरण के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। परिवहन की योजना, स्थानांतरण के दिन क्लिनिक तक आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करें, क्योंकि आपको प्रक्रिया के तुरंत बाद गाड़ी न चलाने की सलाह दी जा सकती है। सहायता प्रणाली, प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक समर्थन और सहायता के लिए अपनी सहायता प्रणाली पर निर्भर रहें, जिसमें आपका साथी, परिवार या दोस्त शामिल हो सकते हैं। प्रक्रिया के लिए तैयारी, आराम से कपड़े पहने और सुनिश्चित करें कि आप भरे हुए मूत्राशय के साथ क्लिनिक में पहुंचे, क्योंकि इससे भ्रूण स्थानांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है। प्रश्न पूछें। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो अपने प्रजनन विशेषज्ञ से पूछने में संकोच न करें। प्रक्रिया की स्पष्ट समझ होना महत्वपूर्ण है। आराम, भ्रूण स्थानांतरण के बाद कई महिलाओं को लगता है कि आराम करना और जोरदार गतिविधियों से बचना मददगार हो सकता है। आपका प्रजनन विशेषज्ञ स्थानांतरण के बाद की अवधि के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करेगा। याद रखें कि प्रत्येक IVF क्लिनिक के अपने प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश हो सकते हैं, इसलिए आपकी मेडिकल टीम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इन चरणों का पालन करने से आपके सफल भ्रूण स्थानांतरण और स्वस्थ गर्भावस्था की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।